प्रोग्राम फॉर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट इन ए गिवन नंबर, तो एक नंबर के अंदर जितने डिजिट होंगे उनका सम करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट देखिए, इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ऐसा मैसेज आएगा एंटर द नंबर, उसके बाद हम एक नंबर देंगे, समझो 457 में दिया, इसके अंदर जो डिजिट दिख रहे हैं 457 इनका सम हो जाना चाहिए, इनका सम करने से कितना आया 16, ये प्रिंट कर देना है। देखते हैं एक नंबर के अंदर जितने डिजिट होंगे उसका सम कैसा करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मैसेज पहले डिस्प्ले होगा एंटर द नंबर, उसके बाद हम एक नंबर देंगे, वो नंबर एन में स्टोर होगा 457, तो उसके बाद ये लूप स्टार्ट होगा। अब यहाँ देख सकते हैं एन में मैं 457 दिया हूँ, जो भी हम देंगे वो एन में स्टोर होगा, तो ये तब तक ट्रू होगा ये लूप, एन की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगी। तो अभी एन में 457 है, जीरो तो नहीं है, इसलिए ट्रू होगा। इसे पढ़ेंगे एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये एन नॉट इक्वल टू जीरो ही है, एन में जीरो नहीं है, तो इसलिए ट्रू हुआ। तो ट्रू होते ही अंदर आएगा, अंदर आने के बाद एन में जो वैल्यू आपको दिख रहा है उसे 10 से डिवाइड करना, ये मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, ये रिमाइंडर देता है। अब 457 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया 7, ये ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जो भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे उसका लास्ट डिजिट दो रहता है वो रिमाइंडर में आ जाएगा, वो रिमाइंडर आर में आ गया, 7 था, वो 7 को लेके जाके एस में क्या था ऑलरेडी 0 है, 0 को ये 7 ऐड कर देना तो जाके 7 हो जाएगा, वो 7 फिर एस में स्टोर कर देना। तो उसके बाद एन को अपडेट करना, एन में 457 है, इस बार फिर 10 से डिवाइड करना, इस बार ऑपरेटर दूसरा यूज कर रहे हैं, ये मॉड्यूलो डिवीजन था, ये सिर्फ डिवीजन, इसका रिजल्ट आता है 45। ये 45 ये भी ज़्यादा क्या भी शॉर्टकट में बता सकते हैं, ये जितना नंबर है ना तो उसे 10 से डिवाइड करने पे क्या होता है उसका कोएफिशिएंट ये आएगा कि लास्ट डिजिट छोड़ के जितने भी डिजिट्स रहता है सेम नंबर आएगा यहाँ पे 45। इस 45 को लेके हम किसे दे रहे हैं, एन को ही दे रहे हैं, यहाँ एन के वैल्यू चेंज होता है, यहाँ आर का वैल्यू चेंज हुआ था, एन में कोई चेंज नहीं था, तो यहाँ पे 45 फिर एन को असाइन हो रहा है, तो एन में ये जितना भी है चल जाएगा, फिर वो 45 आ जाएगा। तो ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल फिर देखता है एन नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए फिर अंदर आता है। तो 45 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा, 10 4 जा 40, 45 में से 40 जाएगा तो 5 आएगा, ये 5 आर में ले लेना। आर में लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, इस आर में जो आया हुआ डिजिट को एस में जो ऑलरेडी जो है 7 उसे ऐड कर देना, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, वो 12 फिर एस को असाइन करना, तो यह हो गया 12। तो एन को अपडेट कर रहे हैं, 45 है, 45 को 10 से डिवाइड करें तो 4 आएगा कोएफिशिएंट, ये जो इधर आता है इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, 4 आएगा, तो 10 4 जा 44, वो 4 को ला के फिर एन को असाइन कर देना, एन ओवरराइट हो जाएगा, 45 चल जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड में क्या है, रिमाइंडर 4 ही आएगा, 4 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 ही रहेगा क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा, 4 ही आएगा आर में। आर में 4 आने के बाद उस 4 को लेके अब इसमें ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इसके अंदर ऑलरेडी 12 था, 12 को ये 4 ऐड करें 16, फिर वो 16 होने के बाद फिर एस को असाइन करना। सिर्फ एस प्लस आर करने से नहीं होता है, आया हुआ आंसर फिर एस को असाइन करेंगे तभी एस में चेंज होगा। और उसके बाद एन को 4 है तो 10 से करके देखिए, ऐसा रिमाइंडर करो 4 को, देखिए 4 को 10 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन 0 आता है, नहीं जाने पर क्या है रिमाइंडर वही नंबर आएगा मगर क्वेश्चन 0 आ जाएगा, इसका 0 आके फिर एन को असाइन कर दिया हम, तो जीरो होते ही फिर यहाँ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जब तक एन में जीरो नहीं है तब तक ये ट्रू होगा। बाहर आने के बाद सम ऑफ बाहर होते ही लूप के बाहर आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट एस में क्या है देखो 16 वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ आउटपुट में। ये है सम ऑफ डिजिट प्रोग्राम। थैंक यू।